नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube लाइव चैनल में और मैं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर चरण त्रिपाठी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मुंह खोला। दरअसल जब संसद में राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी से व्यवहार किया तो इस व्यवहार को शंकर चरण त्रिपाठी ने गलत करार दिया और इस बयान के बाद उन्हें तेजस्वी यादव ने बाहर का रास्ता दिखाया। अगर शंकर चरण त्रिपाठी की बात की जाए तो लंबे समय से वो राजद के साथ जुड़े हुए हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ उनके पारिवारिक संबंध भी हैं। ज्योतिषाचार्य रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के, तो ऐसे में जब उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की अहमियत आज ज़्यादा है राजद के लिए अपने पुराने रिश्तों से या अपने पुराने लोगों से। और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि हो सकता है कि राहुल गांधी के व्यवहार को उन्होंने निजी तौर पर गलत ठहराया हो और इस तरीके का कोई भी सार्वजनिक बयान अगर वो देते हैं तो भी एक मौका उनको मिलना चाहिए था पार्टी की तरफ से कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कारण बताओ नोटिस पार्टी उन्हें जारी कर सकती थी। लेकिन सीधे तौर पर इस तरीके से बाहर निकालने का मतलब है कि राजद को एक मौका चाहिए था शंकर चरण त्रिपाठी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए और वो मौका इस तरीके से बनकर आया और अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। राहुल गांधी को लेकर जो उनका व्यवहार था इसको लेकर कई पार्टियों ने इसे सही ठहराया तो कई पार्टियों ने गलत ठहराया। राजद की तरफ से अगर शंकर चरण त्रिपाठी ने ये कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार गलत था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो BJP में जाकर शामिल हो जाते या BJP की तरफदारी करने से उनकी राजद भक्ति कम हो जाती। अगर तेजस्वी यादव उनको मौका देते, उन्हें बात करते, कारण बताओ नोटिस उनको जारी करते तो शायद चीज़ें क्लियरिफाई हो सकती, वो समझ सकते कि आखिर शंकर चरण त्रिपाठी ने ये बयान क्यों दिया, क्या उनकी पार्टी से कोई नाराज़गी थी या निजी बयान है उनका। तो ये सारी चीज़ें करने के बजाय उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो इसके साथ कई सवाल ज़रूर खड़े होंगे। चलिए इसी के साथ हमारे YouTube लाइव में सिर्फ इतना ही, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।